दोस्तों नमस्कार। एक और दिल दहलाने वाली खबर आई है बैड न्यूज़ कॉमेडी की दुनिया से। हमारे लाफ्टर चैलेंज के हमारे छठवें साथी पराग कंसारा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। टीवी इंडस्ट्री के लिए एक और दुखद खबर सामने आ रही है। बॉलीवुड के दिग्गज कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के बाद एक और हास्य कलाकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के पहले सीजन के कंटेस्टेंट पराग कंसारा का निधन हो गया है। उनके दोस्त और फेमस कॉमेडियन सुनील पाल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर ये जानकारी दी है। देखें पूरा वीडियो। दोस्तों नमस्कार। एक और दिल दहलाने वाली खबर आई है बैड न्यूज़ कॉमेडी की दुनिया से। हमारे लाफ्टर चैलेंज के हमारे छठवें साथी पराग कंसारा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ, पराग कंसारा उल्टा सोच कॉमेडी करते थे। हर बात को उल्टा सोच कर हमें बताते और हंसाते थे। पराग भाई आज इस दुनिया में नहीं रहे। क्या हो रहा है कॉमेडी की दुनिया को पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। हंसाने वाले जो लोगों को हंसाते हैं, इतना अपना बना के और अपनी बातों से हंसाते हैं, उनके साथ में उनके परिवार के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है मैं नहीं जानता। एक से बढ़ कर कॉमेडी के पिलर हमसे दूर जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले राजेश श्रीवास्तव जी को हमने खोया। उनका सदमा अभी भी हमको यकीन नहीं होता, विश्वास नहीं होता। उनको हम याद करते हैं, उनकी बातों को याद करते और हंसते हैं। पराग गुजरात के वडोदरा के रहने वाले थे। वो लंबे समय से टीवी और कॉमेडी शो से दूर थे। पराग टीवी के सुपरहिट कॉमेडी रियलिटी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आए थे। ये शो भारतीय टेलीविजन का पहला ऐसा शो था जिसने स्टैंड अप कॉमेडियंस को एक बड़ा मंच देने का काम किया था। इस शो में नए नए कॉमेडियंस को अपनी पहचान बनाने का मौका भी दिया गया था। पराग को इस शो से घर घर में पहचान मिली थी।